नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 45 प्लस का सही जवाब देना है। टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम इस टेस्ट में आपको 45 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़े अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है। तो देखिएगा, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध जो होता है आपका केरल राज्य से होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि विच पैसेज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वैली, यानी कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच में कौन सा दर्रा है। ऑप्शन आपका रोहतास दर्रा, ऑप्शन बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी इनमें से सभी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका धारीवाल, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी श्रीनगर या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। क्वेश्चन बहुत ईजी, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका कानपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कानपुर, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच कमोडिटी इज प्रोड्यूसिंग इन कोलार माइन, यानी कि कोलार की खान में किस वस्तु का उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका कोयला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, कोलार की खान से जो होता है वो आपका सोना का उत्पादन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सोना लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिर नेशनल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि गिर नेशनल फॉरेस्ट किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा, गिर नेशनल फॉरेस्ट जो होता है वो आपका गुजरात में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि सिटी ऑफ गार्डन्स किसे कहा जाता है। आपको बताना कि सिटी ऑफ गार्डन्स किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो देखिएगा, सिटी ऑफ गार्डन जो कहा जाता है वो आपका कर्नाटक को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कोल प्रोडक्शन इज हाइएस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि किस प्रकार का कोयला का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन है आपका लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिटुमिनस, ऑप्शन सी पीट या ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त नंबर है लिग्नाइट लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन होता है, तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो होता है वो आपका बिटुमिनस होता है। इसमें कार्बन का मात्रा जो होता है वो आपका 94% से ज्यादा होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपका 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन नंबर डी 1950। जल्दी से बताना कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कौन से साल में हुआ था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1965, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेयर इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड सेंटर लोकेटेड, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी हैदराबाद लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है।
11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं, आपको बताना कि विच कंट्री इज नॉट अ G7 मेंबर। ऑप्शन आपका भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए भारत लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड येलो बुक, यानी कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, आपको बताना है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। ऑप्शन आपका फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज अवार्डेड, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताना कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो होता है और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होता है। ऑप्शन आपका टेनिस है, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है पोलो, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन नंबर डी टेनिस। तो देखिएगा राधा मोहन कप का संबंध पूछा है, तो राधा मोहन कप का संबंध जो होता है आपका पोलो खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोलो यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और देवधर द्रवि का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, यानी कि IST और GMT में क्या अंतर होता है, आपको बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना का अंतर होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा 30 मिनट, जो भी ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ऑकर्स इन टोबैको लीफ्स, यानी कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। ऑप्शन आपका निकोटीन, ऑप्शन बी कोलोविसिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो देखिएगा तंबाकू की पत्तियों में जो होता है वो आपका निकोटीन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकोटीन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द सेल मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका हमेशा किसका उपयोग करती है। ऑप्शन आपका एमिनो एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल या ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका C6H12 और आपका O6 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डेकन एजुकेशनल सोसाइटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन नंबर डी बहमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत तेजी और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस काल की लिपि को चित्रकला का लिपि कहा जाता है। ऑप्शन आपका सिंधु काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल या ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए सिंधु काल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि इज द टाइटल ऑफ देश बंधु रिलेटेड, यानी कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। आपको बताना कि देश बंधु की उपाधि जो होता है इन चारों ऑप्शन में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर डी चित्ररंजन दास। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चित्ररंजन दास यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गुरुदेव जो उपाधि होता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि भारत पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्था कहां स्थित है। ऑप्शन आपका पदक नगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर। क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, तो जल्दी से बताना है कि भारत पशु चिकित्सक
अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर, जो भी ऑप्शन डी इज्जत नगर लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इज्जत नगर जो होता है आपका बरेली में होता है, और बरेली जो होता है आपको उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तमिल इज अ मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। ऑप्शन आपका म्यांमार, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, या ऑप्शन नंबर डी बंगला। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेलुगु, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो जल्दी से बताना कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, या ऑप्शन नंबर डी रेल परिवहन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षोपास्टर वायु से वायु वाला पक्षोपात्र है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर। ऑप्शन आपका अग्नि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी अस्त्र, या ऑप्शन नंबर डी आकाश। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अस्त्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव किनेटिक एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन आपका चली हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, या ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष। तो देखिएगा आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिएगा चली हुई गोली जो होता है वो आपका गतिज ऊर्जा में आएगा, बहता हुआ पानी भी आपका गतिज ऊर्जा में आएगा, और चलता हथौड़ा भी आपका गतिज ऊर्जा में आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष जो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा में आता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो आपका 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। मैं आपसे बार बार नहीं बोलता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, हाँ जो रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके और आपके फ्रेंड्स का भी कुछ फायदा हो सके। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द नेम ऑफ अमीर खुसरो इज रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन आपका सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सहनाई, या ऑप्शन नंबर डी तबला। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सितार, जो भी लाइव चैट में ऑप्शन ने बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वाज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन है आपका एनजीओ, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्मा समाज ने, या ऑप्शन नंबर डी अन्य। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि आर्य समाज का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज का खोज यानी कि स्थापना जो किया गया था वो आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है। ऑप्शन है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो जल्दी से बताना है कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों से बहने वाली नदी कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा कि स्टूपा ऑफ सांची वाज बिल्ट बाय विच रूलर, यानी कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन आपका बिंबिसार, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, या ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो देखिएगा सांची का स्तूप जो बनवाया गया था वो आपका अशोका के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी अशोक, यहाँ पर
आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, यानी कि क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि होम डिड अशोक सेंड टू श्रीलंका टू प्रेस बुद्धिस्म। ऑप्शन आपका महेंद्र, ऑप्शन बी संगमित्रा, ऑप्शन सी उपगुप्त या ऑप्शन नंबर डी महेंद्र और संगमित्रा दोनों। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र और संगमित्रा दोनों। ऑप्शन डी जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अशोका ने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि पुत्र महेंद्र और संगमित्रा पुत्र यानी कि दोनों को श्रीलंका भेजा था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को, और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन आपका रूसी क्रांति, ऑप्शन बी इंग्लैंड की क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है रूस की क्रांति। जो भी ऑप्शन है रूस की क्रांति बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स मिल्क सोर, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन आपका वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी नेमेटोड या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को, और 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन सी जनरल मानेकशॉ या ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को, और 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। तो देखिएगा भारतीय नौसेना दिवस जो होता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और थल सेना दिवस जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। और शहीद दिवस आप सभी को पता होगा कि शहीद दिवस जो होता है हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को, 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु डिजाइन्ड द करंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी अरुण गांधी, ऑप्शन सी पिंगले वेंकैया या ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पिंगले वेंकैया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन बांग्लादेश बाय विच नेम गंगा इज नोन, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका भागीरथी, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना या ऑप्शन नंबर डी हुगली। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पद्मा यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि इज द प्लेयर गिवन फॉर इमीडिएट एनर्जी, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। ऑप्शन आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई है। तो देखिएगा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, यानी कि किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं। ऑप्शन आपका अपारदर्शी, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी या ऑप्शन नंबर डी कांच वाली। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और पारदर्शी में जो होता है वो आपका आर पार होने देता है, और पारभासी में भी आर पार होता है लेकिन आपका धुंधला टाइप में दिखाई देता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप द हेल्थ, यानी कि देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो जल्दी से बताना है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन आपका निकल, ऑप्शन डी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को, 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कालिदास यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा रामचरितमानस जो लिखा गया है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास को द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को, और 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कैन शुगर बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि शक्कर उसके घोल से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन आपका छानने से, ऑप्शन बी बाष्पन से, ऑप्शन सी निथारने से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बाष्पन से। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे हम लोग क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके जीडी के
एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, यानी कि तांबे का गलनांक कितना होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना कि तांबे का गलनांक कितना होता है। देखिएगा तांबे का गलनांक जो होता है वो आपका 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1085 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑन द फारेनहाइट स्केल, यानी कि फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन आपका 100 डिग्री, ऑप्शन बी 212 डिग्री, ऑप्शन सी 232 डिग्री या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 212 डिग्री फारेनहाइट, जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफार खान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है सनी डिजिटल क्लासेज। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको आर्मी जीडी और ट्रेसमैन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपका आर्मी जीडी का जितना भी पेपर होता है उसी पर होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर डेली का आर्मी जीडी और ट्रेसमैन का ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन हो रहा है, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर भी मैं ही लाइव क्लास लेता हूँ, तो जाकर के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है, और आप हमारा सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल लेकर आएगा उसे ऑल पे दबाना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जिसके टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।